कोसी एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार चौधरी। अब आप खबर देख रहे हैं बिहार के पूर्णिया समेत बिहार के अन्य नगर निकायों में अस्थाई दैनिक संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों का 12 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो चलिए रिपोर्ट पूर्णिया से हमारे संवाददाता मन्नू कुमार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। बोलिए। इसलिए सर हड़ताल? यह हड़ताल पूरे बिहार की हड़ताल है और नगर निगम पूर्णिया में या पूरे बिहार में जो सरकार के द्वारा मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए थी वह मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं मिल रही है। सरकार ने संकल्प लिया था कि नगर निकाय के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के समय तुल्य समान सुविधा देंगे, लेकिन आज समान सुविधा तो दूर रहा। हमको जो रिस्क लेके हमारा सफाई कर्मी काम करता है उसको सैनिटाइजर, ग्लव्स या उसको जूता इत्यादि भी नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि सफाई कर्मी में जो काम करता है, यहाँ पर एनजीओ को बहाल कर लिया गया है, यहाँ पर दैनिक मजदूरी पर बहाल कर ली गई है। जो हमारे माताएं बहनें काम कर रही हैं उनको 120 से लेकर 140 रुपया पेमेंट दिया जा रहा है और उनके साथ ही अन्याय हो रहा है। अनुकंपा पर जो लोग मरे हैं, महादलित परिवार के लोग हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कुंभ के मेला में पैर छूते हैं, पैर धोते हैं कि तुम करना योद्धा हो, और दूसरी तरफ आज जो महादलित परिवार के लोग कार्य सेवा के अवधि में मरे हैं उनके आश्रित को अनुकंपा पर आज 2-3-4 सालों से काम नहीं दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम मैट्रिक पास का प्रमाण पत्र दो तब तुम्हारी नियुक्ति होगी, जबकि यहाँ पर नियम था कि अष्टमा पास होना चाहिए या अगर वो भी नहीं है तो 2 साल में उसको साक्षर होना चाहिए। आज तमाम बातों को छोड़कर उनको मैट्रिक का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है ताकि ये सरकार का और निगम का दोनों का मिलीभगत दोगलापनी है, दोहरा नीति है। इसलिए कि महादलित न मैट्रिक पास करेगा न उसको अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी और वह भूखे मरेगा। आज हमको सरकार मजबूर कर रहा है कि महादलित के जो बच्चे हैं ये बच्चे कोई इस मुख्य धारा में नहीं जुटे, यह बच्चे अच्छा से एक सभ्य मनुष्य की तरह जिंदगी नहीं बितावे, यह चोर डकैत लफुआ बन जाए, क्योंकि जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, पेट में आग लगेगी उस समय क्या करेगा। इसलिए हमारा आज का जो हड़ताल है, हमारा सरकार के द्वारा सुविधा की बात कही जाती है, हमारे कर्मियों को आज तक ACP का लाभ नहीं मिला है। हमारे कर्मियों उसको माने तमाम जो है बोनस नहीं दी जा रही है। हमारे कर्मियों को आज उनका बोनस या 7वां वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सरकार कहती है कि हम तमाम सरकारी कर्मियों का 7वां वेतन का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे कर्मी आज 7वां वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि नगर निगम में सक्षम है देने में कि नहीं, अब नगर निगम कहाँ होगा। 10-10 करोड़ रुपया सालाना कमाई होता है, वह कमाई सिर्फ ठेकेदारी के लिए, कमीशन के लिए, PC के लिए होता है या जिन मजदूरों के द्वारा वह कमाई होता है उस पर भी खर्च होना चाहिए। आज NGO को ख़त्म करके मजदूरों को डायरेक्ट बहाल करें, और कम से कम अगर जब तक ख़त्म नहीं करता है तब तक 18,000 रुपया मजदूर को और 21,000 रुपया ड्राइवर को देना होगा, अनुकंपा पर बहाल करना होगा, 7वां वेतन देना होगा, ACP देना होगा, और जो आज दलाली हो रही है इस दलाली को बंद करके आज नगर निगम के अंदर जो मजदूरों का मूलभूत सुविधा है सुविधा दे। नहीं देगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा चाहे कोई कुछ कर। क्या परिचय हुआ? क्या परिचय? मेरा नाम वेदनाथ सिंह है, हम नगर निगम कर्मचारी यूनियन के मंत्री हैं। कोसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिया से मन्नू कुमार, आज मैं मौजूद हूँ पूर्णिया के नगर निगम गेट के पास, और यहाँ पे कर्मचारीगण हैं जो कि 12 सूत्री मांगे को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और बिहार में हड़ताल चल रहा है। आइए इसके संबंधित कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि इनकी क्या 12 सूत्री मांगे हैं। हमारा 12 सूत्री मांगे हैं हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जो सरकारी कर्मचारी है उनका ACP का लाभ मिलना चाहिए, उनका 7वां वेतन मिलना चाहिए, और जिन उनका अनुकंपा के जगह बहाली रुकी हुई है उनको अनुकंपा मिलना चाहिए। उसका जितने भी आउटसोर्सिंग है या NGO के द्वारा हैं उन सबको समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। संडे हॉलीडे होता है सभी के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए हॉलीडे नहीं होता है,
किसी भी पर्व में कोई छुट्टी हम लोगों को नहीं मिलता। आज पुलिस डिपार्टमेंट जैसे कर रहा है तो उनको 13 महीने का पेमेंट मिल रहा है, सरकार उनको 13 महीने का पेमेंट दे रही है कि वो सब रोज काम करते हैं, या हम लोग भी जैसे काम कर रहे हैं सब रोज। कोरोना काल में डॉक्टर को पैसा दिया, पुलिस को पैसा दिया, क्या निगम कर्मचारी काम नहीं किए जो निगम कर्मचारी को पैसा नहीं दिए? निगम कर्मचारी ने भी काम किया, उनको भी पैसा दिए। प्लस कोरोना के काल के दौरान किसी को इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं दिया गया, ना ग्लव्स दिया गया, ना सैनिटाइज दिया गया, सब कुछ नहीं दिया गया, नाम का खाना पूर्ति किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी 12 सूत्री मांगे हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोग दिन रात मेहनत करके पूरा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हर पंचायत हर वार्ड में जाके साफ सफाई दिन भर की मजदूरी करते हैं और पूरी तरीका से हमेशा चाहे आंधी हो तूफान हो बारिश हो हमेशा अपना कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। आइए और कुछ किसी से जानते हैं, बताइए क्या बताइए दिया बोला तो हो गया बस हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो सुविधा मिलना चाहिए हम लोग का कोई सुविधा हम लोग का नगर निगम द्वारा नहीं मिल रहा है। SAP का लाभ, सप्तम वेतन, जो मर जाते हैं काज करते हुए उसका बाल बच्चा को नौकरी नहीं होता है नगर निगम में अनुकंपा का जगह पे। अभी तो मांगा जा रहा है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया जाए तब हम बहाली करेंगे। तो पहले का युग में तो बहुत पैसा कम मिलते थे, पहले तनख्वाह भी नहीं मिलते थे, अभी मिल रहा है इधर से, तो उस समय पढ़ा लिखा नहीं सका बाल बच्चे को, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहाँ से देगा? अभी भी सही वेतन मान सही नहीं मिल रहा हम लोग को, इसलिए हम लोग हड़ताल पे जुड़े हुए हैं। आज जब तक हम लोग को सही मान नहीं मिलेगा वेतन मान, जो भी लाभ है हम लोग को सरकार द्वारा, तब तक हम लोग हड़ताल में नहीं हटेंगे हड़ताल से। एजेंडा में जो भी हमारी मांगे हैं वो मेरा उचित मांग है और मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से और अपने बड़े पदाधिकारी से, जो हम लोग जितने भी सरकारी कर्मी हैं आपके औलाद हैं, पुत्र हैं, आप मेरे गार्जियन हैं, आप मेरे गार्जियन हैं, इसलिए इस पर जो विचार करके इस पर जो है अपना निर्णय आपको लेना होगा, यही मेरा निवेदन होगा। मैं भोला प्रसाद, नगर निगम पूर्णिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इन लोगों की मांगे हैं, कुछ मांगे हैं जो कि ये लोग उस कारण से हड़ताल पे, ऑल बिहार में हड़ताल चल रही है और उस मांगे को लेकर इन लोगों को बैठक है। पूर्णिया से मन्नू कुमार की रिपोर्ट।